हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास हमने डेफिनेट इंटीग्रल का पहला लेक्चर किया था, जिसमें हमने जो दो टॉपिक थे लिमिट ऑफ सम को सीखा था और साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डायरेक्टली ये सीखा। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि लिमिट ऑफ सम जो है इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला, इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ सम से सॉल्व करना, और दूसरा लिमिट ऑफ सम हो उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट हमने देख लिया था, जहां पर इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला आप एक बार क्विकली रिकैप कर लीजिए कि अगर कोई इंटीग्रेशन है जिसका लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, और ये फंक्शन एफ एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें हम सिंपल सा जो फॉर्मूला बिठाते हैं वो ये वाला आप याद रखो, ज्यादा ईजी है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन एफ लोअर लिमिट प्लस आर एच, वेयर दिस एच इज नथिंग बट द सेट साइज विच इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई द एन। नाउ आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें होगा रिवर्स मैथड। ठीक है, इससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे और ये मैंने आपको होमवर्क दिया। ठीक है, आज हम लोग दूसरा काम करेंगे, समेशन ऑफ सीरीज विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। So this is summation of series with the help of integration. ठीक है, इसके लिए भी हमें कोई दूसरा फॉर्मूला बिल्कुल नहीं चाहिए, वही फॉर्मूला हमें चाहिए जो हमने देखा था। मैं एक बार वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसको हम लोग यहाँ एक्चुअली कैसे यूटिलाइज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला यही था ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन एफ लोअर लिमिट प्लस आर एच, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एंड वेयर दिस एन इंटू एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, ना देखो यहां पर क्या हो जाएगा ना, हमें पूरा सा इसको चेंज करना हो कि एच तो मिलेगा नहीं हमें इक्वेशन, तो यहां पर दो सिंपल मॉडिफिकेशन मैं क्या करूं, बहुत सिंपल मॉडिफिकेशन है लेकिन बड़े ध्यान से देखना। सिंपल मॉडिफिकेशन ये है कि अगर मैं लोअर लिमिट को जीरो पकड़ लूं और अपर लिमिट को वन पकड़ लूं, ओके, लोअर लिमिट जीरो हो जाए और अपर लिमिट वन हो जाए, तो ये जो मैंने लिखा है एन एच इज इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए विच इज वन माइनस जीरो वन, और वी कैन से दैट एन इज इक्वल टू वन बाई। क्या मेरी बात समझ में आई? और यहां हम लोग बोल सकते हैं कि अगर x टेंस टू जीरो लिख रहे हो आप, तो n टेंस टू क्या होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू वन बाई एच है, तो n टेंस टू इंफिनिटी होगा। बोलो ये सर। तो अगर ये कंडीशन जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है इसको आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी दिस एच की जगह वन बाई एन लिमिट फ्रॉम वन टू एन एंड दिस विल बिकम, ए की जगह कितना है, जीरो बिठा सकते हैं, जीरो आर आर है एच की जगह वन बाई एन, तो मैं फिर से रीराइट कर दू, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन बाई एन समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन एफ आर बाई एन, एंड ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वन एफ एक्स डी एक्स। क्या ये जो रिवाइज फॉर्मूला मैंने यहाँ बनाया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? होना भी नहीं चाहिए। अब देखो इसको यूज करके हम कैसे सवाल को बना लेते हैं। पहला प्रॉब्लम देखो, ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, वीडियो पॉज कर करके जहां पे हेल्प लगे वहां पे वीडियो देखो। क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 टू द पावर n 2 टू द पावर n
थ्री टू द पावर एम एंड सो ऑन अप टू एन टू द पावर एम डिवाइडेड बाई एन टू द पावर एम प्लस वन एंड इट इज गिवन एम इज ग्रेटर देन माइनस वन। अब इस लिमिट ऑफ सम को हमें इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, बस सिंप्लीफाई करो। तो मैं इसे लिख सकता हूं लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, और मैं एन को सबके नीचे अगर डिवाइड कर दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है। बट डिवाइड करने से पहले यहाँ एन तो पावर में एम प्लस वन है, तो एक एन को मैं बाहर निकाल सकता हूं ऐसे, और बाकी को लिख सकता हूं देखो बच्चों समझ में आया या नहीं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या है, पावर में m है, आप डिवाइड कर लो। सो ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई n, और ये हो जाएगा ओवरऑल ब्रैकेट में 1 बाई n टू द पावर m, 2 बाई n टू द पावर m, 3 बाई n टू द पावर m, अप टू एन बाई एन टू दी पावर। क्या कोई डाउट यहां तक, नहीं ना? तो इस इक्वेशन को क्या मैं सिंप्लीफाई ऐसे लिख सकता हूं, ये आप जो अंदर देख रहे हो ये 1 2 3 4 अप टू एन जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं आर टेंस टू 1 to n है, और ये आर बाई एन टू दी पावर एन, इस पूरे समेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब जरा ध्यान से देखो प्रीवियसली जो हमने फॉर्मूला देखा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई एन, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन, एंड द फंक्शन इटसेल्फ आर बाई एन, जो यहां भी है। इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स, मतलब आर बाई एन की जगह हम एफ एक्स लिखते हैं, है कि नहीं? ये देखो ये आर बाई एन की जगह हम एक्स लिखते हैं। तो मैं इसी इक्वेशन में आ जाता हूं वापस, ये कुछ वैसा ही दिख रहा है, यहां पर मुझे दिख रहा है ऑब्वियसली इस इक्वेशन में मैं ए की जगह 0 लूंगा, बी की जगह 1 लूंगा, 1 बाई एन बराबर एच हो जाता है एज पर दैट सिचुएशन, है ना? ये लास्ट वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपकी, ये जरूरत नहीं है। और यहां पर r बाई एन के जगह x बैठ जाता है ना? तो इसी इक्वेशन को मैं सिंपली इंटीग्रेशन 0 to 1, फंक्शन यहां पे क्या है, x इटसेल्फ है, x टू दी पावर m, r बाई एन के जगह x बिठा दिया इंटू dx। अब आपको इंटीग्रेशन आता है, ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1 0 to 1। अब हम यहां पर ये लिमिट बिठा सकते हैं क्योंकि m का वैल्यू माइनस 1 से बड़ा है, माइनस 1 बिठाते तो इंफिनिटी आ जाता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है? आप बिठा दो तो यहां पर ये हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन देके लोअर लिमिट 0 बिठा होगी, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने एम की जगह बिठा दिया, माई मिस्टेक सॉरी, एक्स की जगह बैठेगा हमारा, तो ये 1 हो जाएगा। देखो तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग हैंग हो जा रहा है, ओके। और एक्स की जगह हम लोग 0 बिठाएंगे, सो वट एवर इट मे बी इट शुड बी 0, और 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, सो दिस आंसर इज 1 बाई एम प्लस 1, दिस इज योर पार्ट। बोलो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। एक और सवाल हम करते हैं इससे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, यहां पर भी दिया है लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई एन प्लस एम, 1 बाई एन प्लस 2m, 1 by n plus 3m, up to 1 by n plus nm, इसे सॉल्व करना है।
अभी तक आपने प्रीवियस सवाल को देख के ये तो सीख लिया है कि हमें अल्टीमेटली एक बाहर 1/n चाहिए होता है, लेकिन मार्क दिस, देखो एक बाहर 1/n मुझे चाहिए क्योंकि एस फॉर्मूला में एक बाहर 1/n होता है। ये बनाने के लिए छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में याद रखनी चाहिए कि मुझे एक बाहर 1/n चाहिए, तो इसलिए इस सवाल में हम क्या करेंगे, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग एक बाहर 1/n ले लेंगे और ऊपर n मल्टीप्लाई कर देंगे सब। ऐसा हम कर सकते हैं। देखो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? एक स्टेप हमने आगे बढ़ा, फिर और क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं हम, इंडिविजुअल एक एक टर्म में से एन को कॉमन लोगे तो एक काम का चीज बनेगा, वरना कोई सीरीज नहीं बन रहा है। तो हम इसमें से कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहां से एन अगर कॉमन लिया तो यह हो जाएगा 1/m/n, करेक्ट। दूसरे इक्वेशन से एन कॉमन लिया तो यह हो जाएगा 1/2m/n, ये समझो, एंड सो ऑन। ये n/n लास्ट में जो नीचे लिखा हुआ है, नहीं काटते ना। अब क्या दिख रहा है आपको कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, और ये एक सीरीज में आ गया है। जरा ध्यान से आप देखो कौन सा सीरीज में है। r टेंड्स टू 1 टू n, ये ऊपर 1 है हर जगह, 1 प्लस r m/n। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला में है या नहीं, नहीं बताऊंगा। अब देखो ये फॉर्मूला में आ गया हमारा, हमारा फॉर्मूला वही होता था ना, a को 0 पकड़ते थे, b को 1 पकड़ते थे, और r/n को हम x पकड़ते थे। तो यहाँ r/n है, तो ये इक्वेशन जो है मैं इसे फाइनली लिख सकता हूँ 0 टू 1, 1/1 प्लस r/n की जगह आप x लिख सकते हो, दिस इज 1/mx। राइट? dx। नाउ दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन, जस्ट नीड टू इंटीग्रेट दिस। अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए इसके बाद, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से करते थे ना हम लोग, mx को हम लोग क्या पकड़ते थे, z पकड़ लेते थे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो mdx इज इक्वल टू dz आता था, dx की जगह हम लोग dz/m पुट कर देते थे, याद आ रहा है? तो पहले आप इंटीग्रेशन कर लो फिर सब्सटीट्यूशन बिठा देना। तो हम लोग का ये सिंपल इंटीग्रेशन में लिख रहा हूँ 1/1 प्लस mx dx था, इसे हम लोग लिख सकते हैं dz/m। प्रीवियस स्लाइड में देखो dx की जगह dz/m, और ये पूरा चीज को z ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/m log z, और z का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो हो जाएगा log 1 प्लस mx। अब इस पे आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट बिठा सकते हो, अपर लिमिट बिठा दोगे माइनस लोअर लिमिट बिठा दो, ये 1/m log 1 प्लस m, और यहां हो जाएगा 1/m log 1, एंड log 1 यू नो इज 0। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व लिमिट ऑफ सम, क्योंकि ये एग्जाम में चल जाएगा। इसके बाद मैंने देखो पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था तीसरा टाइप का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये बहुत पूछा जाता है, आज हम लोग इसको करें। तो
इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई लिमिट है ए से बी, फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको सिंपली किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं फंक्शन को जेड कर दूं तो ये डी जेड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वेरिएबल चेंज करते हो, डी जेड चेंज करते हो, सारी चीजें चेंज कर देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो या जेड के रिस्पेक्ट। बट नोट इट, बच्चे भूल जाते हैं, वो सोचते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करते वक्त हमें लिमिट नहीं बदलना होगा, ऐसा नहीं है। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। प्लीज रिमेम्बर, दिस इज नॉट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वी जस्ट रिप्लेस द वेरिएबल। इट इज नॉट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम वेरिएबल बदल दें तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी, अच्छा सारे प्रूफ आप करोगे घर पे, प्रूफ होमवर्क। दूसरा प्रॉपर्टी है ए टू बी फंक्शन अगर एफ एक्स डी एक्स है, अगर आप अपर लिमिट को नीचे ले जाओ और लोअर लिमिट को ऊपर ले जाओ, ऐसा अगर आप करोगे तो हमेशा इंटीग्रेशन के साइन बदल जाए। आप अपर लिमिट को लोअर बनाओगे, लोअर लिमिट को अपर बनाओगे, तो लिमिट इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, प्रूफ हम लोग सब कर सकते हैं बहुत आसानी से, प्रूफ इज योर होमवर्क। अच्छा चलो, अगर मान लो ऐसा एक नंबर है सी जो ए और बी के बीच में आता है, तो हम इस इंटीग्रेशन को जो है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। इसका एप्लीकेशन तो हमने केमिस्ट्री में किया हुआ है ऑलरेडी, फिजिक्स में भी किया हुआ है। इसको हम लोग ए से सी तक जा सकते हैं, फिर हम लोग सी से बी तक जा सकते हैं। जो बीच वाला था वो देखो दोनों लिमिट में आ गया, ए से बड़ा था इसलिए अपर लिमिट यहाँ बना और बी से छोटा था इसलिए लोअर लिमिट यहाँ बना। तो अगर ऐसे ही बहुत सारे नंबर बीच में आते हैं तो हम बहुत सारे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट केस है, जैसे ए और बी के बीच में बहुत सारे नंबर, सी वन सी टू सी थ्री ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर है, तब डी आएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जितने सारे नंबर है वैसे सी वन कर दो, सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स, सी टू टू सी थ्री एफ एक्स डी एक्स, अप टू अप टू अप टू जो भी आएगा मेरा, इससे पहले मान लो सी एन है, सो सी एन टू बी एफ एक्स डी एक्स। तीनों प्रॉपर्टी समझ में आए आपको, इसका प्रूफ करना बहुत आसान है। आपको एक एग्जांपल ले लो, अपर लिमिट लोअर लिमिट बिठाओ, काट कूट के देखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों लिमिट्स फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज फॉर्म प्रॉपर्टीज अभी और भी बाकी है। चौथी प्रॉपर्टी में ये कहता है कि अगर मेरा इंटीग्रेशन है जीरो टू ए सम नंबर एंड एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपर लिमिट ऐसे, इसी लिमिट का, इसी प्रॉपर्टी का एक एडवांस फॉर्म जो है उसे हम लोग कहते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। मतलब इसी का जो एक एडवांस फॉर्म होगा वो ज्यादा अच्छा है, वो याद रखना। अगर ए से बी ऐसे लिखा हुआ है, एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए से बी एक्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स एक्स। यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ बस ये जीरो था, जीरो प्लस ए ए हो गया, यहाँ ए और बी है तो ये ए प्लस बी हो गया। ये प्रॉपर्टी बड़ा काम का है, हम इसे बहुत इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल याद रखो, बस याद रखो,
बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, पांचवा, अगर ये ऊपर वाले प्रॉपर्टी में जो हमने देखा कि एफ ए प्लस एक्स अगर हम ऐसा करते हैं और ये एफ एक्स ही वापस चला आता है, मतलब उसमें अगर हम लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करते हैं तो वो अपने आप को रिपीट करता है, अगर ऐसा हो तो हमारा जो इंटीग्रेशन है, मान लो 0 to n नंबर टाइम्स ऑफ ए है एफ एक्स डी एक्स, तो मैं यहाँ पर n को बाहर ले आ सकता हूँ ऊपर से नीचे, और ये हो जाएगा एफ एक्स डी। ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर आप ध्यान से देखो इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है फॉर इवन फंक्शन, है ना, हमने इवन फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी देखी थी, तो ये होगा फॉर इवन फंक्शन। कोई ऐसा फंक्शन जिसमें एक टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, जैसे साइन फंक्शन, है ना, तो उसको हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं, जहां टाइम पीरियड ए हो, तो उसके लिए केस में हम एन ए को हम एन सामने ला सकते हैं। ठीक समझ में आया ये बात? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाओ, हमारी सिक्स नंबर, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 a, अगर है एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, एंड दिस इज फॉर ऑल फंक्शन। यहां पे एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है, अगर एफ 2a - x बराबर एफ एक्स निक हो जाए, ठीक है, इवन ऑड वाला केस, तो ये प्रॉपर्टी मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा हमारा, ये भी एफ एक्स हो जाएगा और सेकेंड टर्म भी एफ एक्स बन जाएगा ना एज पर दिस प्रॉपर्टी, तो ये सिंपली हो जाएगा 2 0 to a fx dx। तो जैसे ऊपर वाला अभी प्रॉपर्टी हमने देखा था ना, n सामने आ जा रहा है, यही चीज तो यहां भी हुआ, बट ये स्पेशलाइज केस है, सिर्फ 2 के लिए बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जा, 7 नंबर, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, से हम लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। यहां पर दो केस बन जाएंगे, ओके, केस वन फॉर इवन फंक्शन, और मैंने प्रीवियस में इवन फंक्शन लिख दिया था, माय मिस्टेक, दिस इज नॉट इवन फंक्शन, दिस इज फॉर पीरियोडिक फंक्शन, माय मिस्टेक, दिस इज फॉर पीरियोडिक फंक्शन, इवन फंक्शन वाला केस अभी है। इवन फंक्शन किसे कहते हैं आपको पता है, मैंने पढ़ाया था, इवन फंक्शन वो होता है जिसमें माइनस अगर एक से आप रिप्लेस करोगे तो वो एफ एक्स आपको देता है, ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आप यहाँ पे माइनस एफ एक्स की जगह आप एफ एक्स बिठाओगे और एफ एक्स एफ एक्स ऐड होकर 2fx हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये सुन लो, जस्ट रिप्लेस द हियर, और केस टू है ऑड फंक्शन के लिए। ऑड फंक्शन क्या कहता है, ऑड फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा है हमने, कि ऑड फंक्शन में अगर माइनस एक्स एफ एक्स
एक्स अगर आप रिप्लेस करोगे हर जगह तो पूरे फंक्शन के बाहर माइनस आ जाता है, ये होता है ऑड फंक्शन। इस इक्वेशन में अगर आप माइनस एफ एक्स पुट करोगे तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स कट जाएगा ना, तो आंसर जीरो हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन के लिए अगर ऐसा सिस्टम दिया हो तो आंसर सीधे आपको जीरो बिठा देना, और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने जितना ऑलमोस्ट ये छह प्रॉपर्टी से हमारा, सात प्रॉपर्टी से हमारा काम हो जाने वाला है, और भी बहुत है बट हम लोग इससे शुरू करते हैं। ओके चलो, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग एक सवाल बनाने की कोशिश करते हैं इन सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके। कैसे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना सीखोगे। प्रॉपर्टीज से ये पहला प्रॉब्लम, ठीक है। सो हमें बोल रहा है प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to π cos टू द पावर 3x dx बराबर 0 होता है। अब आप इसको तो सॉल्व करके निकाल ही सकते हो, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे cos टू द पावर 3x dx का आंसर निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बिठाओगे, 0 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसे बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, आपका नॉलेज क्या गेन करता है वो बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कर सकते हैं दो तरीके से। एक हमें दिख रहा है ये पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मेट में दिख रहा है, ये वाला है ना, ए प्लस एक्स बराबर एफ एक्स होगा, तो हम वहां पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी इसको मैं इस प्रॉपर्टी में यूज कर पाऊंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, पाई को मैंने 2 into π/2 लिख दिया, cos टू द पावर 3x dx, किसी को कोई तकलीफ बताओ। अब यहां आ जाओ, ये रहा हमारा सवाल, ये दिस प्रॉपर्टी क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर 6। सो इसे 0 to 2a, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ऐसे, एज पर दिस प्रॉपर्टी से। यस टू नो, यस और नो, तो ये 0 to 2a की जगह 0 to a कर देना है, एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स करना है। ठीक है, तो 0 to a कर देना है एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब ये जो फंक्शन है एज इट इज रख दो, प्लस एफ 2a, 2a क्या था, ये टोटल था, सो एफ एक्स की जगह आप 2a माइनस एक्स बिठा दो, 2a मतलब पाई माइनस एक्स लिख। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जरा त्रिकोणमेट्री में चले और हम ये समझते हैं कि cos पाई माइनस एक्स होल क्यूब का मतलब क्या होता है। याद है आपको, हमने सीखा है बहुत अच्छे तरीके से, ये ऑल का घर है, ये साइन का घर है, ये टेन का घर है, ये कॉस का घर है। कॉस में क्या लिखा गया है, ये पाई बाय 2 into 2 - x³। तो ये पाई बाय 2 into 2 मतलब 1 2 माइनस समथिंग, तो साइन के घर में कॉस पहुंच गया। तो क्या होगा, साइन के घर में अगर कॉस पहुंच जाता है तो साइन हो जाता है नेगेटिव, लेकिन ये 90 के साथ इवन मल्टीप्लाइड है इसीलिए कॉस कॉस ही रहेगा,
अगर यहाँ ऑड नंबर होता तो कॉस साइन बन जाता था, याद आ रहा है आपको? और ये होल क्यूब हो जैसा है वैसा रह जाए, तो माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही हो, तो ये माइनस कॉस क्यूब एक्स आ गया। क्या ये बात मैं समझा पाया आपको? ट्रिगोनोमेट्री है, इंटीग्रेशन तो है नहीं, ट्रिगोनोमेट्री इसीलिए काफी स्ट्रांग होना चाहिए। इस इक्वेशन में मैं 0 to π/2 कॉस क्यूब एक्स माइनस, इस प्लस की जगह ये माइनस क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स बिठाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इट इज कैंसल आउट, आंसर इज 0। इट इज प्रूव्ड, सो यस और नो? तो ये तरीका है, देखो एक कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल को प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम कैसे कर सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ इस्तेमाल करें, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कौन सा प्रॉपर्टी कब इस्तेमाल करेंगे। ये हिट एंड ट्रायल बच्चों, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। विदाउट प्रैक्टिसिंग डोंट थिंक कि एक दिन में आप लोग एक्सपर्ट बन जाने वाले, बट हाँ ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें लेंदी सवाल नहीं होते प्रॉपर्टी से, ट्रिकी सवाल होंगे। और इसीलिए जिसको अच्छा आता है ना प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना, उसको टीचर समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है मैथमेटिक्स के लिए। तो सेकेंड क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई 0 to 2π cos x/1 sin² x dx, और इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये पूरा फंक्शन आपको ऐसा दिख रहा है दैट 0 to 2π, अगर मैं ऐसे लिखूं f(x) dx लिखूं तो आपको समझने में आसानी होगी कि अब कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। एक प्रॉपर्टी था हमारा जो ये कहता था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स कर दो, अगर फंक्शन एज इट इज रह जाता है, इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो तो हम लिख सकते हैं, है ना? कहाँ देखा था हमने ये बात लास्ट में देखा, ये नॉट क्लियर बिफोर दैट दिस वन। यहाँ पे हमने दो केसेस देखे थे, क्या देखे थे कि अगर फंक्शन यहाँ पे हम लोग fx लिखते हैं और यहाँ 2a-x लिखते हैं, ये 2a-x अगर fx आता है तो ये डबल हो जाता है, और अगर डबल नहीं होता, ठीक है, और अगर -fx आ जाता है तो ये 0 हो जाता है। यही प्रॉपर्टी फिर से इस्तेमाल करो, प्लीज डू दिस सेम प्रॉपर्टी हियर इन द सेम प्रॉब्लम। कर सकते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट 0 to 2π f(x), इसे मैं लिख सकता हूं इट इज नथिंग बट जीरो टू पाई fx प्लस f(2π) जो ऊपर रहता था माइनस x। क्लियर ना, यही फॉर्मूला है, बिठा दिया हमने। अब तुम ये निकाल लो, ये निकाल लो कितना होगा, तो f(2π-x) निकालना पड़ेगा। जहां जहां यहाँ fx हमने जो पूरा फंक्शन पकड़ा है, x के जगह 2π-x बिठा दो। अब ट्रिगोनोमेट्री से मुझे बताओ कॉस 2π-x क्या होगा। 2π मतलब पाई इंटू फोर, 1, 2, 3, 4 माइनस एक्स, कॉस कॉस के घर में गया और इवन मल्टीप्लीकेशन है, कॉस कॉस ही रहेगा प्लस रहेगा, ठीक है। साइन गया है कॉस के घर में तो माइनस रहे हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये इवन मल्टीप्लीकेशन है तो साइन साइन ही रहेगा, है ना, और ये होल स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो आई थिंक नो चेंज,
ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यही तो मेरा फंक्शन था, तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये एफ एक्स ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला में 0 to 2 पाई एफ एक्स 0 to पाई एफ एक्स प्लस एफ एक्स लिख सकता हूँ। देखो मैंने प्रूफ कर दिया कि एफ एक्स के बराबर, इसीलिए लिखा, जबरदस्ती है क्या कुछ, 0 to पाई एफ एक्स डीएक्स हो गया। मैं इसी चीज को फिर से लिख रहा हूँ, 0 to 2 पाई एफ एक्स डीएक्स, फाइनली आया हमारा 2 0 to पाई एफ एक्स डीएक्स। अब मैं फर्दर ये जो पोर्शन है, टू बाहर जो है उसको मत देख, इसको फिर से उसी फॉर्मूला में डाल सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसे फिर से ऐसे लिख सकता हूं, पाई बाई 2 एफ एक्स प्लस एफ पाई माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूं, जैसा यहां किया 2 पाई था तो पाई किया और ये लिखा था वैसे ही इसको बस कर दिया, क्या प्रॉब्लम है, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें बस ये चेकना है, करना है कि इसका वैल्यू कितना आता है। ठीक है, एफ पाई माइनस एक्स बराबर कॉस पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। नाउ प्लीज सॉल्व, पाई माइनस एक्स का वैल्यू कितना होता है, अभी अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, माइनस हो जाता है, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो भी आएगा, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स एंड विच इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। तो यहां पर इसके जगह आप नेगेटिव एफ एक्स पुट करोगे, 0 to π/2 एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, सो दिस इज कैंसल आउट, एंटायर आंसर इज 0। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 0। समझ में आएगा, तो ये समझो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलो कुछ और प्रॉब्लम करते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं, फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा। थर्ड प्रॉब्लम, अगर है 0 to π/2 रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स बाय रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। अब ये दिखने से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चीज दिख रहा है मुझे, कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। मैं आपको बस प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको क्या करना है। एक प्रॉपर्टी था याद आ रहा, 0 to a f(x) अगर रहे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 to a f(a−x) लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं। और सबसे पहले इसको आई लिखता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं। चलो ट्रिग्नोमेट्री के केस में बेसिकली 2-3 प्रॉपर्टी ही लगते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता है साइन हो या कॉस हो उसको पाई बाई 2 − x करने से वो साइन जो है वो कॉस में बदल जाता है और कॉस जो है वो साइन में बदल जाता है। ये छोटी सी बात आपको दिमाग में अगर आ गई तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। हमें क्या पता है कि कॉस पाई बाई 2 − x जो है वो हो जाता है साइन एक्स और साइन पाई बाई 2 − x जो होता है वो हो जाता है कॉस एक्स। ये हमने 11 में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा। तो ये जो ओवरऑल इक्वेशन मेरा था ये अब कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऊपर हो जाएगा साइन एक्स और नीचे हो जाएंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर मैं इसको ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1 पकड़ूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 पकड़ूं एंड 1 + 2 कर दूं तो क्या होगा, तो राइट हैंड साइड में आई और आई जुड़ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है ये जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो आप एलसीएम लेके देखो
ऊपर भी आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। प्लीज डू इट, मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, प्लीज सॉल्व करना आप। और नीचे भी आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये पूरा कट के 1 हो जाएगा। तो 2i बराबर 0 to π/2 dx से बचेगा। तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बिठाओगे, आई का आंसर आएगा π/4। ऐसे क्वेश्चन MCQ प्रॉब्लम नीट जेई में भरे हुए, नीट में नहीं सॉरी जेई में, मैंने कितने कितने देने और एनडीए के एग्जामिनेशन में बहुत जगह इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं। इसका मैक्सिमम ऐसे प्रॉब्लम का आंसर π/4 होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। एक और प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देखते हैं जो दिखने में खतरनाक हो लेकिन आसान होगा। प्रॉब्लम नंबर 4, y इज इक्वल टू 0 to π x साइन स्क्वायर एक्स, कैसे करें, कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है। ट्रिगोनोमेट्री में मैक्सिमम आप डिटेल ट्रायल करके देखना, आपको समझ में आने लगेगा अपने हिसाब से। ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम लगता है, लेट्स अप्लाई एंड सी इट इज एप्लीकेबल। एक्स के जगह पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डीएक्स, और साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना होता है, पाई माइनस एक्स साइन साइन के घर में जाएगा तो प्लस ही रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो ये पाई माइनस एक्स है तो दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, एक में चला जाएगा पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और एक में माइनस हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ही तो आई था, ये वही टर्म है ना एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इस टोटल चीज को मैं आई लेट कर सकता हूँ। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू पाई बाहर चला जाएगा 0 to π साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस आई, माइनस आई उधर जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा, तो प्लस 2i इज इक्वल टू 0 to π साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप चाहो तो सिंपली साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला निकाल के बिठा सकते हो। ठीक है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आप निकाल के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता था साइन स्क्वायर का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 0 to π 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 साइन स्क्वायर को आप 0 to π 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, ये हो जाएगा x और कॉस का हो जाता है साइन। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2y पाई बाई टू, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये सेकेंड टर्म तो पूरा जीरो हो गया। फर्स्ट टर्म में हमारा पाई माइनस साइन 2π मतलब साइन 360 डिग्री बराबर कितना होता है, जीरो होता है ना। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई टू, सो आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, सो मैंने आपका एनसीईआरटी का फुल बुक और जो भी रेफरेंस बुक आप करते हो उसको सॉल्व कीजिए। हमारा डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो चालू करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ। थैंक यू।